नमस्कार, मैं डॉक्टर रुपिंदर। आज मैं आपको ग्लव्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। ग्लव्स को कैसे डालना है, इनको कैसे निकालना है, इसे हम जानेंगे। ग्लव्स आजकल कई तरह के चल रहे हैं, लेकिन रूटीन में हमें ग्लव्स की ज़रूरत नहीं होती है। ग्लव्स की ज़रूरत उन्हें ही होती है जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है, वो ग्लव्स यूज़ करें। रूटीन में एग्जामिनेशन जो ग्लव्स होते हैं, नॉन स्टराइल एग्जामिनेशन ग्लव्स के बॉक्सेस मिलते हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं। अगर पेशेंट केयर वगैरह करनी है उसके लिए जो लेटेक्स ग्लव्स हैं, वो सिर्फ हेल्थ स्टाफ के लिए ही एडवाइजेबल हैं। दूसरे लोगों को, जनरल पब्लिक को उसकी ज़रूरत नहीं है। जो लोग वॉलेंटियर्स हैं, जो क्लीनर्स हैं, जिनका जिनका काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट रहा है, जो जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से वो सर्विसेज दे रहे हैं और आगे भी उनकी सर्विसेज चलती रहेंगी, उन लोगों के लिए ये जो ग्लव्स हैं ये एडवाइजेबल होते हैं। तो वो रूटीन जो एग्जामिनेशन ग्लव्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके के होते हैं। अभी तक वैसे आप लोगों को सबको पता होंगे कि ये कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। इसको डालना इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ये फ्रेश ग्लव्स हैं, तो जब फ्रेश ग्लव्स आपने डालने हैं तो आप, ये सारा न्यू है तो इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कि हमारे हाथ धुले हुए हों और हम इसे इस तरीके से डालें कि सिर्फ अंदर का सरफेस हमारा इस हाथ को टच करे, बाहर वाले सरफेस को हम टच ना करें। सिमिलरली हम ये दूसरा ग्लव डालेंगे, इसका भी हम इस हाथ से सिर्फ ये, इससे हम बाहर का सरफेस टच कर रहे हैं, ये जो हाथ अंदर जाना है ये अंदर के ही ग्लव के सरफेस को टच करेगा। एक बार जब हमने ये इस तरीके से ग्लव सही डाल लिए, इस ये डल गए हमारे सही से, एक बार इसे डाल लिए तो हमने ग्लव्स डाले हैं जो भी काम करने के लिए वो हम करें। स्पेशली जो केयर गिवर्स हैं या वॉलेंटियर्स हैं या जो हैं वो, क्योंकि बहुत सारी उनका उनका कांटेक्ट बहुत सारे लोगों से होता रहता है, तो उन लोगों के को ये एडवाइजेबल हैं ग्लव्स यूज़ करने, ताकि उन्हें इन्फेक्शन कम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा देर सेवा कर सकें, तो इसलिए उनको ये एडवाइजेबल है। अब जब हमने इसे एक बार डाल लिया तो क्या होता है कि हमने यूज़ कर लिया, वंस हमने इसे यूज़ कर लिया तो ये इन्फेक्ट हो गया ग्लव। हमें नहीं पता इसके किस एरिया में इन्फेक्शन लॉज कर रही है, किस एरिया में इन्फेक्शन है। जब हमने इसे उतारना है तो हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखनी है। इसके अलावा ग्लव्स को उतार के हमने कहीं भी फेंक नहीं देना, या ऑर्डनरी हमारी घर की डस्टबिन में नहीं इसे डालना है। हमने इसे स्पेसिफिकली, जैसे एक बिन लाइंड क्लोज लिड डस्टबिन लेनी है और उसी में इसको डिस्कार्ड करना है। उस डस्टबिन में और कोई चीज़ नहीं डालेंगे, और वो जो बैग है उसे हम फर्दर बायोमेडिकल वेस्ट में ही डिस्पोज ऑफ करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट जो हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्टर्स आके ले जाते हैं। आप उनसे बात कर सकते हो अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप अपने पास के हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, वहाँ उनसे बात कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपका है तो आप वहाँ पर भी उनसे बात करके उनके बिन में इन्हें डाल सकते हैं। तो जब हमें इसे उतारना है तो हमने क्या करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। उतारते वक्त ये हमारी जो हथेली है और ये हमारी कलाई है ना, तो ये हथेली और कलाई के जो बीच की जगह होती है, यहाँ से हमने इसको इस तरीके से पिंच करके
उठाना है और फिर ये उंगलियों को यहाँ डालना है और इस तरीके से इसे हमने इनसाइड आउट करना है, मतलब जो अंदर हमारे हाथ के साथ ग्लव का हिस्सा था वो हमारा हिस्सा अब बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि ये उल्टा हो गया है, ये उंगलियों वाले हिस्से में मेरा इन्फेक्टेड एरिया है और दूसरा जो है वो एरिया है। ये ऐसे इसे उतारना है और जो दूसरा ग्लव है उसे हमने कैसे उतारना है, ये इसके बीच में हमने अंगूठा डाल लेना है क्योंकि ये बाहर वाला सरफेस जो है ये इन्फेक्टेड है और अंदर वाला सरफेस इसका क्लीन है, तो हमने क्लीन फिंगर से क्लीन एरिया में हाथ डाल लेना है और फिर इसे हमने निकालना है। ये जो निकला हुआ है इसको इसके बीच में ही फंसा लेना है हमने और इसे इकट्ठे कर लेना है। जब हम ऐसे एक दूसरे के बीच में इसे डालकर उतारते हैं तो मिनिमम इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में भी। ये सारा सही जो हाथ के ऊपर हमारे था वो ऐसे बाहर उतर गया है। ये देखिए ये इस तरीके से ये उल्टा होके ग्लव आ गया है। अब ये जो हमारे हाथ के ऊपर सरफेस था वो ग्लव का हमारे हाथ में है। इस तरीके से करके हमने वो जो बिन लाइन करके रखी हुई है डस्टबिन, उसमें हम इसे डाल देंगे और इसको बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल में इसे डालेंगे। ग्लव्स को उतारने के बाद हमें हाथ साबुन से अच्छे से धोने हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर साबुन नहीं है उस वक्त तो आप सैनिटाइजर से धो सकते हैं, बट उसके बाद आप जरूर सोप एंड वाटर से हाथ धोएं। इसके साथ ग्लव्स के ऊपर मेरा सेशन ख़त्म होता है। आप लोगों से दुआ है कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें।